जिसकी अपनी भौजाई लगती थी, उसको बुला के बोला कि आज जो महेश महतो वाला जो गोदाम है उसके अंदर जो बगीचा है उसका घास काटने जाना है। ऋषि बहादुर के प्रमुख अभियुक्त कमेश्वर यादव, इसने अपने दो और साथियों को बुलाया जो कि गर्दनीबाग के रहने वाले हैं, एक का नाम है पप्पू कुमार और महेश महतो, एक और गार्ड है वहाँ पे चंदन ऑटोमोबाइल है उसका गार्ड है अरुण सिंह करके, जो कि मूल रूप से गौरीचक थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब घटना घट गई है, जो कि संपत्ति के लालच में अपने ही देवर ने भाभी की कर दी है हत्या। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में एक देवर ने संपत्ति के लालच में आकर अपने ही भाई की पत्नी की हत्या कर दी है। और आपको बताते चले कि यह जो इनका शव था, मारने के बाद इसे डंपयार्ड में फेंक दिया गया था और इनकी जो निशानदेही पर एक गार्ड था उसकी निशानदेही पर चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं पर आपको बता दें कि इसमें फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के द्वारा ही इन चारों अपराधियों को पकड़ा गया है। और यहीं पर पटना SSP प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज इसका खुलासा करते हैं। और वहीं पर पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो क्या कुछ कर रहे हैं, देखें पूरी रिपोर्ट। तो इनकी नज़र उसकी संपत्ति पर थी कि जो भाई है वो मेंटली रिटार्डेड है, वो कुछ करेगा नहीं और इसको मार देंगे, तो इसके हिस्से की जो भी हमारी संपत्ति है उसको हम लोग अपने पास रख लेंगे। इसी ये जो मृतिका थी ये घास काटने जाती थी उस वाले परिसर के अंदर जहाँ पे बगीचा लगा हुआ था, तो इसी में इसने इस वाले गार्ड को महेश महतो, एक और गार्ड है वहाँ पे चंदन ऑटोमोबाइल है उसका गार्ड है अरुण सिंह करके, जो कि मूल रूप से नरहट थाना क्षेत्र नवादा का रहने वाला, वो भी 10 साल से वहाँ पे रह रहा था। ये लोग सभी एक साथ उठते बैठते थे और खाते पीते थे। इसी में ही इन दो गार्ड के अलावा जो मृत ये प्रमुख अभियुक्त है कमेश्वर यादव, इसने अपने दो और साथियों को बुलाया जो कि गर्दनीबाग के रहने वाले हैं, एक का नाम है पप्पू कुमार और एक और अभियुक्त है जिसकी पहचान हो चुकी है जो भी भागा हुआ है। तो इन पांचों को इसने बुलाया अपने यहाँ पे, अपने घर पे बुलाया। उसके बाद जो मृतिका थी जो कि इसकी अपनी भौजाई लगती थी उसको बुला के बोला कि आज जो महेश महतो वाला जो गोदाम है उसके अंदर जो बगीचा है उसका घास काटने जाना है। तो इसी बहाने उसको जब अंदर ले गया घास काटने के लिए तो पीछे से वार करके हथौड़ी से, 3 बार ही हथौड़ी से वार किया जिसके कारण उसको काफ़ी चोटें और वहीं पे मौके पर उसकी मौत हो गई। जो हथौड़ा यूज़ हुआ है उसको भी रिकवर कर लिया गया है इन लोगों की निशानदेही पर, और इस पर हम लोगों को खून के धब्बे और वो सब भी मिला है जिसकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जाँच करवाई जा रही है। इसके बाद इन लोगों ने मृतिका कुमार के लगभग 24 घंटे लाश बाथरूम में ही जो वो परिसर है उसके अंदर रखा, और जब रात हुई देर अंधेरे में जाके फिर इन लोगों ने तिरपाल में बांधकर उस लाश को 4 लेन पर ले जाने की इनका था कि वहाँ पे हम लोग हल्ला करेंगे कि एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन क्योंकि 4 लेन बहुत ज़्यादा व्यस्त थी तो इसलिए 4 लेन पर नहीं ले जा पे बल्कि 4 लेन के बगल के गड्ढा में इन्होंने लाश को डंप कर दिया। तो इस प्रकार ये एकदम ब्लाइंड केस था जिसमें शुरू में कोई सूत्र नहीं था, और डॉग स्क्वाड की मदद से और जो हमारा FSL की टीम है उसकी मदद से इसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। टोटल 5 अपराध कर्मी जो शामिल थे उनमें से 4 की गिरफ्तारी हो गई है और 1 की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निकल गई हैं, और जो हथौड़ा से जो उसको मारा गया उसको भी रिकवर कर लिया गया है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।